हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज मुंबई, साथ में सहयोगी चैनल है एआईएन न्यूज। मैं इस समय खड़ा हूँ महाराष्ट्र मुंबई मलाड वेस्ट, जो कि मालोनी का एरिया बताया जाता है, और ये जहाँ पर अभी स्थानीय जगह है समाजवादी पार्टी का उत्तर मुंबई के जो जिला उपाध्यक्ष है उनका कार्यालय है, जिनका नाम है अबू भाई कुलशंकर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ पूरी टीम के साथ में, बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत होगी और आगे चुनावी जो यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं उनसे संबंधित सारी बातें होंगी। आइए मैं बात करता हूँ डायरेक्ट जो यहाँ के जिला उपाध्यक्ष हैं उत्तर मुंबई जिला के, अबू भाई से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अबू भाई वर्षंकर है, मैं समाजवादी पार्टी उत्तर मुंबई जिला का उपाध्यक्ष हूँ। सर, अभी जैसा आपने अपना परिचय दिया उत्तर मुंबई जिला उपाध्यक्ष हो, आप पार्टी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए ना। हमारी पार्टी मालोनी में छोड़ के पूरी महाराष्ट्र में जद्दोजहद कर रही है करीबन 25 साल से। हमने पहले काफी नगर सेवक भी चुन के लाए, एमएलए भी चुन के लाए। अब धीरे धीरे यहाँ थोड़ा बीच में थोड़ा तकलीफ हो गई थी हम लोगों को, क्योंकि कुछ पार्टी के लोग गद्दारी करके दूसरे पार्टी में चले गए, इस वजह से थोड़ा तकलीफ हमें हुई जरूर। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी को चाहने वाले हैं, मुलायम सिंह को, अखिलेश जी को और हमारे अबू आसिम आजमी जी को जो चाहने वाले हैं, आज भी मालोनी में पूरी पब्लिक समाजवादी पार्टी को दिल से आसिम भाई को चाहती है। सर, जैसा आपने बताया कि हमारी पार्टी ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी मेहनत किया है, तो कहीं ना कहीं यहीं से एमपी एमएलए हैं, बहुत सारी और भी अलग पार्टियों से बहुत सारा एक लंबा गैप हुआ आपकी पार्टी का, उसका क्या ऐसा एक पॉइंट था कि जो इतना बड़ा गैप आपकी पार्टी में, जहां पे बहुत सारे एमएलए गए, यहां से नगर सेवक गए, लेकिन इतना बड़ा गैप कैसा? पार्टी में जो लोग आते हैं अपने सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, हमारे पार्टी के नाम से, समाजवादी पार्टी के नाम से, अबू आसिम जी के नाम से चुनकर आते हैं और हमारे पार्टी से गद्दारी करके चले जाते हैं। इसके वजह से पार्टी में थोड़ी कमजोरी आ गई थी, इसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आज वापस मालोनी में जब से हमने तालुक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सिरिल डिसोजा को, जो पूर्व नगर सेवक थे, आज हमारी पार्टी में आए हैं, वो हमारी पार्टी का काम देख के आसिम भाई का नाम सुन के आए हैं, और उसी तरह वो फिर आने के बाद अपने पूरे मलाड तालुका में उन्होंने अच्छा एक समाजवादी पार्टी को वापस जोश में लाने का काम कर रहे थे। और उनके साथ उपाध्यक्ष के पद पर उन्होंने जो नासिर कुरैशी को लाके खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ा काम है उनका, क्योंकि नासिर कुरैशी मालोनी में अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरे नजरों में सबको मैं देता हूँ, सिरिल को और नासिर कुरैशी को और हमारे मोहसिन शेख के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ अभी समाजवादी पार्टी के लोग पूरा वापस जोड़ रही है पूरी पार्टी। अभी कुछ दिन पहले आपके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें किया, और चुनावी रणनीति की भी जो आपकी तैयारियां हो रही हैं, हर एक वार्ड में बहुत सारे वार्ड आपके मजबूत किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी फिर से एक नया चेहरा लाने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग अभी ये बारी कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पास जो काम कर रहे हैं, जो पोस्ट होल्डर अभी जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर काम देखेंगे, बाद में हमारी कमेटी बैठेगी, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उनका काम देख के हम टिकट देने की कोशिश करेंगे आसिम भाई से बात करके। अभी तक कितने वार्ड मजबूत हुए हैं आपके? मेरे ख्याल से 33 और 48 तो एकदम मजबूत चल रही है इस वक्त, थोड़ी 49 में और 34 में थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि दो सीट से तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 48 और 33 ये दो सीट निकालने की मेरी पूरी कोशिश है। चुनावी रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति के जब सामने वाली पार्टी जो कांग्रेस है, पब्लिक जानती है यहाँ के, ये हमारे मारोनी का जो 3 नंबर का मस्जिद का मसला था उसको हमने जोर जोर से उठाया था आसिम भाई ने, उसी के बदौलत यहाँ से नगर सेवक असम सेठ जी चुन के आए थे, बाद में वो पार्टी चेंज की है, वो अपने उनका रुकआउट है, उससे मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मालोनी में इस वक्त मराठ तालुका में 4 नगर सेवक से 2 या 3 निकालने की कोशिश हमारी रहेगी और इंशाल्लाह सीट निकालकर दिखाएंगे। जैसे आपने बताया कि मैं मालोनी में रहता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ पर एक नशे का भी बहुत तेज से कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट है, बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटी भी हुई, और उसके लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? स्थानीय एमएलए साहब, स्थानीय नगर सेवकों को जो कांग्रेस पार्टी से चुन के आते हैं। आज एक बार बताओ, मालोनी में कोई गरीब लोगों के लिए कोई एक छोटा सा हॉस्पिटल मालोनी में, कोई बच्चों को खेलने के लिए कोई मैदान है तो मुझे आप बताओ,
मारवाड़ी की जनता ने जो गलती कर चुकी है इन लोगों को चुन के, अब मारवाड़ी की जनता समझ रही है कि कौन काम करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हर घर घर जाकर उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेगा। आने वाले चुनाव में आप एक अच्छा चेहरा जो साबित करना चाहते हैं वो कौन हो सकता है आपकी तरफ से? पार्टी में देखो ऐसा है कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्यकर्ता ऐसा होता है जो इलेक्शन लड़ने के लायक होता है। उसी तरह जहां तक आज मैं जिस माहौल को मैं देख रहा हूं उसमें एक नंबर वन पे सिरोही डिसोजा चल रहा है, सेकंड नंबर पे नासिर कुरैशी जी चल रहे हैं, थर्ड नंबर पे मोहसिन शेख भी चल रहे हैं। तो ऐसे पता नहीं कैंडिडेट कौन कौन कितने कब आएंगे, हर कैंडिडेट का वक्त और देख के काम देख के उसके बाद फाइनल किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप इस चीज को साबित करना चाहते हैं कि जब से आपके मलाड के तालुका अध्यक्ष बने हुए हैं सिरिल डिसोजा जी, तब से आपकी पार्टी मलाड वेस्ट के अंदर में बहुत सारे मतलब एक्टिविटी दिखा रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को मैं जहां तक मैं समझता हूं कि पार्टी में जो थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई थी वो पार्टी को उभारने का काम सिरिल डिसोजा तालुका अध्यक्ष बनने के बाद हुआ है, और प्लस मेरे हिसाब से नासिर कुरैशी भी उपाध्यक्ष बनने के बाद, और मोहसिन खान और वार्ड अध्यक्ष, हमारे दो चार वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, नसीम भाई, ये लोग ज्यादा जो लोग हैं ये पूरा पार्टी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वापस पार्टी इंशाल्लाह मालवणी में बहुत अच्छी तरह उभरकर सामने आएगी। सर आपको अपना आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है मोहसिन शेख, मैं समाजवादी में स्लम सेल में तालुका अध्यक्ष हूँ। मैं और नासिर भाई मिल के 48 में, और हमारे सीनियर लीडर जो अबू वैशंकर है, हम लोग तीनों मिल के 48 वार्ड के अंदर जोरदार से अभी काम चालू करने वाले हैं। जैसे कि जो भी समस्या है पब्लिक की, चाहे गटर हो या बच्चे लोग का स्कूल हो या कोई दवा खाने का तकलीफ हो, हम लोग सब अभी इस पे ज्यादा करके ध्यान देके पब्लिक की सेवा करेंगे। जैसा आपके सीनियर लीडर भी बता रहे थे कि हम सब पूरी टीम होकर के तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी चुनावी रणनीति की तैयारी शुरू हो गई है? हमारी चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, आने वाले वक्त में हम काम करके वोट लेंगे। आप स्थानीय जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो काम के लायक है इसको वोट दो, इसको जिताओ, क्योंकि अभी वक्त ऐसा आ चुका है कि इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ नगर से वोट दिखता है। 48 वार्ड के अंदर आप चल के देख लो, जैसा गटर है आज तक गटर ऐसा है, पूरा पानी भरा हुआ है, कोई पब्लिक को सुविधा नहीं है। ये हम चाहते हैं कि हम नगर सेवक चुन के आवे और हम 48 वार्ड के अंदर काम करके दें। थैंक यू सर। सर कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए काफी चीजें तो हमारे सीनियर लीडर जो जिला उपाध्यक्ष है अबू भाई वर्षंकर जी ने सब कुछ कह दिया है, और आगे भी हम उनके आशीर्वाद से उनकी दुआओं से काफी काम करेंगे। मलाड तालुका में हम लोगों ने अभी काफी मालोनी को स्ट्रांग किया है, इसमें दो वार्ड जो 33 है और 48 है इस समय हम लोगों ने बहुत उसे स्ट्रांग कर दिया। रहा सवाल 49 और 34 का, उसमें भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आगे देखिए इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। और गली नाले ये सारी चीजें जो होती है ये तो इलेक्शन के टाइम पर हर नगर सेवा आके करता है, उससे पहले उसे दिखाई नहीं देता ये चीज। तो हमारा जो ये मुद्दा है ना, हम मिलके मोहसिन भाई, मैं, अबू भाई और सिरिल डिसूजा, हम सब मिलकर आपस में बैठक होती है इस मसले पे कि किस तरीके से हम लोग हमारे जो नागरिक है यहाँ के 48 के 33 के और भी काफी वार्ड के, और किस तरीके से इसको स्ट्रांग किया जाए कि हमसे वो लोग क्यों जुड़ेंगे। कुछ तो मुद्दा होगा कि वो जुड़ने का, तो उनके दिल तक, उनके उस बात तक हमको पहुंचना है कि किस मुद्दे पर वो हमसे जुड़ेंगे। आखिर कोई तो वजह होगी तभी जुड़ेंगे वो, तो वो सारी बातें, वो सारी उनके मुद्दों को हम लोग जितना हो सके जल्द से जल्द हल करेंगे, उन तक पहुंचेंगे, और लोगों को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह हम लोग और मालूनी को और इस मलाड तालुका को स्ट्रांग करेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर नशा और ट्रैफिक की समस्या है, इसके बारे में आप अभी सीनियर लीडर आपके बता रहे थे, आप लोग कितना एक्शन लेना चाहते हो? देखिए नशा का जो अभी चल रहा है ज्यादातर तो ये पट्टे के एरिया में और मालोनी में, काफी और एरिया में भी है, इसके ऊपर एक्शन लेते हैं 10 दिन के बाद फिर चालू हो जाता है। आज जैसे हमने पुलिस में कंप्लेन करी
कई जगह पे जो प्रॉपर नशा चल रहा है, अगर पुलिस आती है वो बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर से शुरुआत हो जाती है। तो नशा को तो हम लोग चाहते जल्द से जल्द खत्म हो। सीनियर साहब से भी हमारी इस बारे में बात हुई है और दोबारा भी इससे पहले भी हमने कंप्लेंट करी काफी। पार्टी अगर आपकी जीत के आती है मालोनी में तो क्या क्या एक्शन लिया जाएगा कुछ? देखिए, सबसे पहले हमारी समाजवादी पार्टी अगर मालोनी में जीत के आती है तो हम लोग ये नशे के ऊपर तो हम लोग एक्शन लेंगे जो भी। और दूसरी बात यह है कि मालोनी में जितने भी नगर सेवक आए, एमएलए साहब आए, किसी ने भी लोगों के हित में कोई काम ऐसा नहीं किया है जो उनको वो याद करे। तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि अपने वार्ड के अंदर एक 48 नहीं और भी दूसरे वार्ड में भी अगर मेरी चाहत है कि कम से कम गरीब बच्चियों के लिए एक शादी का हॉल फ्री किया जाए, जो आज तक किसी नगर सेवक ने किसी एमएलए ने नहीं किया। ये हमारी एक आपस में मीटिंग हुई और ये मेरी चाहत है कि गरीब बच्चियों की शादी का हॉल हो और उसके जो खाने का इंतजाम भी हो शादी का वो भी हम लोग करें। और एक चीज और मैं सोच रहा हूँ कि बीएमसी से हम लोग परमिशन लेके 10 से 15 शॉप्स ऐसी ओपन करेंगे जिसमें जो 60-70% चीजों पे हम लोग वो सेल करवाएंगे और रोजगार मिलेगा। जो हमारे बच्चे आज नशे में जा रहे हैं उनके पास रोजगार नहीं, तभी तो वो नशे में मुक्त हो रहे ना। जब उनको हम लोग रोजगार देंगे तो काफी हद तक वो नशे से दूर हटेंगे। और हम लोग वो शॉप्स का ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर एक ही चीज के लिए, उसमें खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ रहेगी। तो जो मार्केट से आप 100% से ले वो हमारे शॉप से आप 60-70% से हम लोग करवाएंगे। थैंक यू सर, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अभी आप दोस्तों देख रहे थे समाजवादी पार्टी उत्तर मुंबई जिला का जो ये उपाध्यक्ष जी का कार्यालय है। आपको बता दें कि देखिए जैसे चुनाव आते हैं नेताओं के बोल भी शुरू हो जाते हैं और उनके एक्शन भी शुरू हो जाते हैं। आज ये चीज देखने को मिला और उनकी चुनावी रणनीति क्या है वो आप बता रहे थे, आपसे साझा कर रहे थे। आपको हम आगे दिखाते हैं कि नेक्स्ट में इनका जो अभी वादा है कितना पूरा होता है इनकी पार्टी के चुनाव के और जीतने के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।